हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स साइन रूल। जितने भी मैथमेटिक्स के अंदर साइन हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आज इस वीडियो में पूरा डिस्कस ना हो सके तो सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं पहले पार्ट की ओर। जो पहला पार्ट है इसका, ध्यान से देखो बच्चों, यह है प्लस इनटू माइनस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव। ये जो मैथमेटिक्स साइन है ये हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे कोई और है, कोई बिजनेसमैन है, कोई भी है, ये सबके लिए जानना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि पता नहीं है किसी को, पर जिनको पता नहीं है वो इसको आज समझ लें। तो बच्चों पहला जो है प्लस इनटू माइनस, ये प्लस इनटू माइनस जो होता है ये क्या होता है? हम ऐसा करते हैं कि एक नंबर ले लेते हैं, ए इज इक्वल ले लेते हैं हम 3, बी हम ले लेते हैं 6। दो नंबर हमने ले लिए। ध्यान से देखो बच्चों, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि प्लस इनटू माइनस या माइनस इनटू प्लस क्या होता है, बट क्यों होता है? जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, तो एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा, पढ़ो प्लस इनटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इनटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इनटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ऐसे बच्चों ऐसे नहीं होता, कंसेप्ट समझना होता है। अगर मैथमेटिक्स के अंदर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल नहीं होगा। तो देखो ध्यान से, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 6। हमने सपोज किया, हम कुछ भी ले सकते हैं, ये छोटे नंबर मैंने इसलिए लिए कि कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बच्चों, अब क्या है, ए जो है सारी पहला प्लस है तो 3 प्लस का ले लो, इनटू अगर दूसरा बी 6 है तो 6 आप माइनस का ले लो। ले लिया बच्चों, अब ध्यान से देखो, क्या इसको मैं ऐसे 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ये हमने लेट किया कि 3 इंटू 0 0 के बराबर होता है, क्योंकि ये तो आपको पता है कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 होता है। तो अब हम इसको ऐसे लाइन लगाते हैं, अब ये 3 है और इनटू लो, इस 0 की जगह आप लिखो माइनस 6 और प्लस 6। बच्चों माइनस 6 और प्लस 6 ही क्यों, माइनस 3 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, माइनस 4 प्लस 4 भी ले सकते हैं, माइनस 6 प्लस 6 भी ले सकते हैं, सॉरी माइनस 7 प्लस 7 भी ले सकते हैं, बट माइनस 6 प्लस 6 इसलिए लिया क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 6 है। ओके, अब यहां पे एक प्रॉपर्टी लगेगी जिसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या होता है, ये होता है ए इंटू बी प्लस सी, ये सॉल्यूशंस का क्या निकलता है, ए इंटू बी फिर आगे प्लस है और ए इंटू सी। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो, इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए इंटू बी प्लस सी, इसको जब हम हल करेंगे तो ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करें, ए इंटू बी फिर बीच में प्लस है, फिर ए को सी से करेंगे, सॉरी ए को सी से करेंगे तो ए इंटू सी। ओके, इसका यूज हम यहां करेंगे, कर दिया मैंने। अब 3 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 3 इंटू माइनस 6, अगर प्लस है फिर 3 है तो इंटू 6। अब 3 इंटू माइनस 6 है तो बच्चों जब इस प्लस वाले को आगे लेकर जाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 इंटू 6। हो गया बच्चों, हो गया, यहां भी माइनस आया, यहां भी माइनस आ गया, बात समझ आ गई। यानी कि 6 थ्रू 18 माइनस 18, या इसको हम ऐसे कर सकते करते हैं, इसको 3 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू, ये माइनस लो 6 थ्री द 18।
हो गया बच्चों, पता चल गया प्लस इंटू माइनस क्या होता है। अब इसको करते हैं हम साफ और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये तो सिंपल है, प्लस और इन टू प्लस। बच्चों प्लस इन टू प्लस क्या होता है, ले लो ए आप ले लो 3, बी ले लो 6, ले लिया। अब ए की जगह लिखो आप प्लस 3 और इन टू बी की जगह लिखो प्लस 6, यानी कि प्लस इसके पीछे लिखो या ना लिखो 3 × 6, हमें पता है ये 3 भी प्लस का है 6 भी प्लस का है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ये मल्टीपल है, और मल्टीपल कहां से आया, यानी पहले हमारे पास ऐड था और ऐड जो है उसके बाद मल्टीपल, यानी मल्टीपल का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। ये भी मैं लिख देता हूं, मल्टीपल का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। क्या होता है बच्चों, मल्टीपल का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। क्या रिपीटेड एडिशन, 3 × 6 यानी ये 6 तीन बार है, 6 + 6 + 6 तो कितना आ गया 6 + 6 + 6, तीन बार 6 लिखने के बजाय 3 × 6 लिख लो। यो इस साइड होता है ये, यानी कि ये जो इस साइड होता है जो इसको उतनी बार हमें, मतलब आगे वाले को इस पीछे वाले की उतनी बार लिखना पड़ता है। मतलब ये कि 3 × 6 नहीं, यानी कि जैसे आप चलो इसको छोड़ो, ये 2x था ना, यानी 2x या 3y था ना, तो 3 × y। तो इसका यही हुआ कि 6 तीन बार है, 6 + 6 + 6 तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 18, और अगर 6 सीधा करें तो वही 18। तो ये तो प्लस का है तो ये तो आप आराम से कर लोगे, सिर्फ मैंने आपको बताया कि जो मल्टीपल होता है रिपीटेड एडिशन होता है। ओके अब बच्चों इसको करते हैं सॉल्व और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों जो नेक्स्ट पार्ट है इसका क्या है, पार्ट 3। जो पार्ट 3 है ध्यान से देखो इसको, यह है माइनस इन टू प्लस। माइनस इन टू प्लस यानी कि नेगेटिव इन टू पॉजिटिव। तो अब ले लो ए ले लो आप 3, बी ले लो आप 6। तो यहां पे माइनस, ये माइनस है ना, तो -3 और इनटू कर लो +6। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 × 6 इज इक्वल टू 0। लेट करना है, मैथमेटिक्स है, जब कोई भी हम क्वेश्चन निकालते हैं तो उसको हम लेट करके चलते हैं। अब बच्चों करो इसको, 0 की जगह -6 और +6 और इनटू सॉरी 0 की जगह -3 और +3 ले सकता हूं मैं, और यहां पे 6 ले लो। बात समझ आई बच्चों, 0 × 6 और 0 के। अब देखो हम क्या करेंगे, इस -3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, -3 × 6, बीच में प्लस है, फिर माइनस, पहले इसको ऐसे मल्टीप्लाई की, अब 3 × 6 करेंगे। आप ध्यान से देखो बच्चों, -3 × 6 लिया और ये जब आगे जाएगा इज इक्वल टू -3 × 6, तो क्या आ जाएगा, -3 × 6 इज इक्वल टू -6 × 18। -18 आ गया, यानी आपको ये समझ आ गई बच्चों कि माइनस इंटू प्लस भी माइनस होता है और प्लस इंटू माइनस भी माइनस होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें हर एक को कंफ्यूजन होती है, और इस पार्ट से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप इन क्वेश्चन को नंबर लाइन की हेल्प से भी कर सकते हो, वेक्टर मेथड से भी कर सकते हो, जो 11 12th में यूज होता है और उसके आगे हायर क्लासेस में यूज होता है उसका भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने ये मेथड जो अभी कर रहा हूं इसलिए मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आप सबको समझ आ जाएगी। ओके बच्चों, तो पार्ट 4 क्या है इसका, ध्यान से देखो, जो इसका पार्ट 4 था ध्यान से देखो बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या है,
माइनस इंटू माइनस क्या होता है, यानी कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, सॉरी नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, माइनस इंटू माइनस। तो क्या बच्चों, ए ले लो आप, ए ले लो आप 3 और बी ले लो आप 6, ले लिया। अब क्या करना हमने, जो ए है ए भी माइनस में है तो माइनस 3 ले लो, और इंटू बी क्या है ये भी माइनस 6 है, माइनस 6 ले लो आप। अब क्या करना है इसको, इस माइनस 3 को लो और इंटू इस 0 इज इक्वल टू 0, ये हमने लेट किया। अब बच्चों क्या करना, वही माइनस 3 लो इंटू 0 की जगह एक बार माइनस 6 लो, एक बार प्लस 6 लो। अब बच्चों 6 ही क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में 6 है। अब माइनस 7 प्लस 7 से भी 0 आता है, माइनस 8 प्लस 8 से भी 0 आता है, माइनस 9 प्लस 9 से भी 0 आता है, बट 6 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में 6 है, इसी से ये क्वेश्चन हल होगा। माइनस 3 इन को मल्टीप्लाई करो माइनस 6 के साथ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं जो अभी हमने की थी, और आगे प्लस है माइनस 3 और इंटू ये वाला 6 ले लिया, यानी माइनस 3 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करके ये लिखा, आगे प्लस है ये लिखा, माइनस 3 को प्लस 6 से मल्टीप्लाई करके ये लिखा, माइनस 3 इंटू माइनस 6 ये लिखा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस इंटू माइनस 3 इंटू 6 माइनस 18, ये हमने पार्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट में सॉल्व किया हुआ है कि माइनस 3 इंटू 6 होता है माइनस 18, यानी कि इसका आंसर माइनस में आता है, ये प्रूफ कर चुके हैं हम, ये भी पहले हम प्रूफ कर चुके हैं। तो क्या आएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 6 जो होता है जब ये इज इक्वल टू ये आगे जाएगा तो ये 18 प्लस का हो जाएगा। बात समझ आ गई कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और ये माइनस 18 जो है ये अभी हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस 18 लिखा। ओके बच्चों, ये पार्ट फोर्थ हो गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, अब इसको करते हैं हम सॉल्व और चलते हैं पार्ट फाइव की तरफ। जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है, फिफ्थ पार्ट जो बच्चों ये है, ध्यान से देखो आप, फिफ्थ पार्ट जो है इसका ये है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास प्लस और प्लस माइनस, यानी कि अगर हमारे पास सपोज करो मेरे पास दो नंबर हैं, ए इज इक्वल टू आ 5 और बी इज इक्वल टू आ 10, दो नंबर है मेरे पास, कहता है कि प्लस माइनस क्या होता है, तो बच्चों बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर एक नंबर माइनस में हो और एक नंबर प्लस में हो तो आंसर किस में आएगा। बच्चों इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि माइनस प्लस माइनस भी होता है और माइनस प्लस प्लस भी होता है। आप बोलोगे ये क्या सर, माइनस प्लस माइनस भी होता है, माइनस प्लस प्लस भी होता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो बच्चों ये मैं आपको प्रूफ करके बताने वाला हूं, मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा यहां पर। बच्चों मैं ये प्लस है ना, तो इस 5 को लिख लिया मैंने, इस ऊपर वाले को आगा ये प्लस है और यहां पे माइनस की जगह 10 ले लो, यानी ये प्लस 5 है ना, तो प्लस 5 लिखो, प्लस माइनस माइनस 10 लिखो। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये हुआ कि मेरी मम्मा ने मुझे सुबह 5 रुपए दिए हैं आइसक्रीम खाने के लिए, लेकिन मेरा तो बैड लक है, मैंने पहले से ही 10 रुपए देने हैं आइसक्रीम वाले के, तो मैं कैसे खाऊंगा, तो मैं जाऊंगा और 5 रुपए आइसक्रीम वाले को दूंगा, और वो सॉरी जब वो 5 रुपए वहां पे लिखेगा और बैलेंस कितने रखेगा वो 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मम्मा ने दूसरे दिन भी मुझे 5 रुपए दिए, वो भी जाकर मैंने आइसक्रीम वाले को देने हैं, क्योंकि अगर मैं यहां पे प्लस लिखता इसका मतलब वो 5 रुपए मेरे होते, लेकिन नहीं मैंने माइनस इसलिए लिखा क्योंकि अगर दूसरे दिन मम्मा ने मुझे 5 रुपए दिए आइसक्रीम खाने के लिए, वो भी मैं जाके उसके उसको दूंगा, उसका कंप्लीट करूंगा। बात समझ आई कि प्लस माइनस, माइनस तब होता है जब आपके पास प्लस वाली सॉरी जो माइनस वाला जो है, क्या है ये माइनस वाला बड़ा हो। ओके माइनस वाला बड़ा है ना, तो इसलिए आंसर माइनस में आया। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूं, अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूं माइनस 5
माइनस फाइव और आगे मैं लिखू प्लस टेन, यानी ये माइनस फाइव और प्लस टेन। अब यहां भी माइनस प्लस है, या आप बोलोगे सर अब ये तो साइन चेंज हो गया, प्लस प्लस माइनस लेता हूं मैं, प्लस माइनस लिखता हूं मैं। अगर मैं यहां पे प्लस टेन लिखता हूं और माइनस में फाइव लिखता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि मम्मा ने मुझे दस रुपए दिए आइसक्रीम खाने के लिए और मैंने आइसक्रीम वाले के पांच रुपए देने, उसके पांच दे दिए उसको और वापस पांच मेरे पास बच गए और इसका तो मैं आइसक्रीम कुछ भी खा सकता हूं, तो ये प्लस मेरे हैं। इसलिए प्लस माइनस माइनस भी होता है और प्लस माइनस प्लस भी होता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर माइनस वाला डिजिट बड़ा है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर प्लस वाला डिजिट बड़ा है तो आंसर प्लस में आएगा। तो आपने अंडरस्टैंड ऐसे करना है कि जो माइनस वाला नंबर होता है वो हमें देने होते हैं, जो प्लस वाले होते हैं वो हमारे आपने होते हैं। इसलिए प्लस माइनस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह से कर सकते हो। बात समझ आ गई बच्चों? अब इसको हम करते हैं सॉल्व और चलते हैं सिक्स पार्ट की ओर। बच्चों सिक्स पार्ट है हमारे पास, जैसे मेरे पास एक पार्ट है, मैं ऐसे लिखता हूं, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं करता हूं, माइनस माइनस और बीच में डिवाइड आ जाए और यहां पे प्लस आ जाए। अब बीच में डिवाइड आ जाए, बात समझ आ गई बच्चों? बीच में अगर डिवाइड आ जाए तो तब क्या करते हैं? देखो बच्चों, सपोज करो ए आपके पास फाइव है और बी आपके पास टेन है, इसी से हम करेंगे इसको। माइनस फाइव है तो माइनस फाइव लिखो, माइनस है ना तो ए फाइव माइनस फाइव, डिवाइड है और ये डिवाइड वाला साइन डालो और बी आपके पास टेन है तो टेन लिख दिया। ये बात समझ आ गई बच्चों? अब बच्चों इस चीज को ध्यान से रख सॉरी देखना, जो ये आगे वाला टेन होता है ये डिनोमिनेटर में जाता है और ऊपर वाला न्यूमिनेटर में आता है। इसको माइनस फाइव डिवाइड बाई टेन ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, माइनस फाइव और टेन। तो अब इसको आप डिवाइड करके लिख सकते हो, फाइव वन द फाइव और फाइव टू द टेन, माइनस वन बाई टू, ये इसका आंसर आ गया। आप डिवाइड को ऐसे भी लिखो माइनस फाइव डिवाइड बाई टेन, या टेन को नीचे लिखो माइनस फाइव को ऊपर लिखो, और इस तरह से भी आप कर सकते हो। बात समझाई बच्चों? अब अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, अब बच्चों मैं इसको ऐसे करता हूं, यहां पे प्लस लिखता हूं और डिवाइड करता हूं, यहां पे माइनस लिखता हूं। ध्यान से देखो, यहां पे प्लस है, यहां पे डिवाइड है, यहां पे माइनस है। तो ए आपके पास अगर फाइव है तो बी आपके पास कितना है? टेन है। तो ए की जगह एक, ए की जगह अब ये वाला प्लस, इसको ऊपर वाले को छोड़ो, अब प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, अब ये प्लस डिवाइडेड बाई मैंने माइनस किया तो क्या है, ए जो है हमारे पास, ये लाइन लगा लो, ए हमारे पास ये फाइव है प्लस का और बी है माइनस टेन। बात समझ आ गई? तो ये फाइव वन द फाइव, फाइव टू टेन हो जाएगा, ये आ जाएगा वन बाई माइनस टू। तो बच्चों एक चीज याद रखना कि डिनोमिनेटर में माइनस कभी नहीं आता, लेकिन आप आ गया ना यहां पे, वन अपॉन माइनस टू है तो डिनोमिनेटर में माइनस आ गया है, लेकिन यहां पे हमने माइनस नहीं रखना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपने रैशनलाइज करना है माइनस वन से दोनों साइड। रैशनलाइज का मतलब होता है जो चीज आपने न्यूमिनेटर में लिखनी है वही डिनोमिनेटर में लिखनी है। बात समझ आ रही है ना? तो माइनस वन को ऊपर भी इसको काट के वापस, रैशनलाइज करने का मतलब यह होता है कि अगर हम इसको काटते हैं तो वापस हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। अब माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करके माइनस वन, जो अभी अभी हमने पढ़ा प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और अभी अभी हमने ये भी पढ़ा माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, टू वन दा टू, ये माइनस वन बाई टू आ गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को हल करते हैं, यानी कि जो डिवाइड के आगे वाला नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है और पीछे वाला ऊपर जाता है।